हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, ताकि इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ नया जानने को मिले, नया सीखने को मिले। दोस्तों, अगर मैं आपको ये सवाल पूछूँ कि क्या इंसान 100 साल तक जी सकता है, तो शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई ना, शायद बहुतायत लोग ये कहेंगे कि ये नहीं, कुछ हद तक ये इम्पॉसिबल है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि हाँ, तो कैसे, तो इसके बारे में हम आज साइंटिफिकली जानते हैं कि ये कैसे संभव होगा। ये जानकर आपके होश ज़रूर उड़ जाएंगे। तो खबर ये है कि अमेरिका के अरबपति बिजनेसमैन जिसका नाम है डेव एस्प्रे, उन्होंने लंबी आयु जीने के लिए जड़ी बूटी ढूंढ निकाली है, ऐसा उनका दावा है। अगर ये डेव बाबू यानी कि डेव एस्प्रे की बात का विश्वास करें, तो वे तकरीबन 2153 के साल तक वो जिंदा रहने के लिए वो काबिल है, यानी वो जिंदा रह सकते हैं। तो कैसे, उसके बारे में कुछ डिटेल में जानते हैं। बात कुछ ऐसी है कि डेव एस्प्रे ने अपने शरीर के बोन मैरो के स्टेम सेल्स को अलग करके उसको निकाल कर फिर से उन्होंने अपने ही शरीर में ट्रांसप्लांट करवाया है। शरीर के बायोमेडिकल क्लॉक को इस तरह उल्टा घुमाकर उनका मानना है कि वो तकरीबन 180 साल तक जिंदा रह सकेंगे। ऐसा करने के लिए उन्होंने 25,000 यूरो की तकरीबन, इसकी कीमत होती है भारत की जो करेंसी है उसके मुकाबले में देखें तो 18 लाख रुपए का खर्च उन्होंने कर दिया। तो 47 साल के डेव एस्प्रे ने स्टेम सेल इंजेक्ट करवाने के अलावा लंबे साल तक जीने के लिए कोल्ड क्रायोथेरेपी चैम्बर में बैठते हैं और निश्चित लंबे घंटे तक नियमित उपवास करते थे। डेव एस्प्रे पेशे से एक बिजनेसमैन है, इसके अलावा वो एक प्रोफेशनल बायो हैकर के तौर पर भी वो जाने जाते हैं। उनका ये मानना है कि जब हम जवान होते हैं, तब हमारे मानव शरीर में करोड़ों की तादाद में स्टेम सेल्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, इंसान जब बूढ़ा होने लगता है, वैसे ये स्टेम सेल्स की तादाद धीरे धीरे कम होती जाती है या फिर निष्क्रिय होती चली जाती है। तो इसके लिए उन्होंने एक तरकीब अजमाई, एक ट्रिक अजमाई उन्होंने। वो ट्रिक क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। उन्होंने एक रोज़ नियमित अंतराल के लिए इंटरमिटेटिंग फास्टिंग, यानी इसको कहते हैं आसान भाषा में समझे तो रुक रुक के उपवास करना, यानी कि निश्चित अंतराल पर उपवास करना, उसका मतलब ये होता है, सिंपल मतलब वो करते थे। दूसरी तरकीब में उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपने शरीर के जो बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स होते हैं, उन्हें इंजेक्ट करने की प्रोसेस 40 साल की उम्र से पहले ही आजमाई थी, यानी कि वो 47 साल के उसकी आयु है, लेकिन उसको जब पता उसको 40 साल की आयु तक उसको पता चल गया था, लेकिन उसका अपने शरीर पर जो प्रयोग है तो 47 साल की आयु में उन्होंने करा था। उसका मानना है कि हमारा मानव शरीर लंबे अरसे तक एक्टिव रहता है ऐसा करने से, और यह वाले मेथड कुछ सालों के बाद घर घर में मोबाइल की तरह मशहूर हो जाएगी, ऐसा उनका मानना है। मिस्टर डेव एस्प्रे वजन घटाने के लिए इस्तेमाल होने वाली बुलेट प्रूफ कॉफ़ी नाम के ब्रांड के वे संशोधक थे। ये काफ़ी एक नया फंडा, नया कंसेप्ट उन्होंने ढूंढ निकाला था, जो वज़न घटाने या फिर शरीर का वज़न मेंटेन करने में ये बुलेट प्रूफ कॉफ़ी काफ़ी कारगर और सटीक साबित हुई। ये विचार उनको जब वो भारत दौरे पर, यानी भारत दौरे पर आने वाले थे, उसके पहले उन्होंने तिब्बत का दौरा किया, उसके दौरान उसके जहन में आया था। सो दोस्तों, कैसे लगे आज की मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर करना, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे आने वाले ऐसे कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स यानी कि इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नियमित अंतराल तक पहुंचती रहे, और मैं आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करता रहूं। सो थैंक यू।